गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पीआई फाइंड करने के लिए एक और मेथड की बात करेंगे जिसमें टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यूब इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है, ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेटेड क्यूब डॉट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ये आप कह सकते हैं ये कंजनरल फॉर्मूला है जो हर पीआई फाइंड करने के लिए हर मेथड पर अप्लाई हो जाएगा, चाहे फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल हो, चाहे एक्स हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, हर फंक्शन के लिए आप पीआई फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल रखा है आपके लिए, सॉल्व डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई की पावर टू एक्स। राइट हैंड साइड में ई की पावर टू एक्स एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है जिसको हम इस जनरल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कैपिटल डी के फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम क्या लिखा है, कैपिटल डी है, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल टू ई की पावर टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप, जब फंक्शन को डी बन जाता है उसके बाद हम इसे ऑब्जर्वरी इक्वेशन बनाएंगे जहाँ पर डी के प्लेस पे आपको एम पुट करना है, वाई के प्लेस पे वन पुट करना है और राइट हैंड साइड में जीरो एज्यूम करना है। तो हैंस द ऑब्जर्वरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे दो रूट बन गए हैं एम माइनस वन एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें एम की दो वैल्यू मिली है, दोनों ही रियल है और डिफरेंट है। जब हमें एम की वैल्यू रियल और डिफरेंट मिलती है तो हमारा सी एफ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स, क्योंकि हमें एम की दो वैल्यू मिली है। तो सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम की दूसरी वैल्यू टू एक्स। तो ये हमारा सी एफ कम्प्लीट हो गया। देन हम फाइंड करेंगे पी आई, पी आई का फॉर्मूला वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। तो हमने पहले फंक्शन को लिखा है, देन ये जो डी फंक्शन है हमने इसको ब्रेक किया है वन अपॉन डी माइनस वन और डी माइनस टू ई की पावर टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन को ब्रेक किया है। तो हम सॉल्व करते समय हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वन माइनस डी माइनस टू और वन अपॉन डी माइनस वन, पहले एक के लिए सॉल्व करेंगे फिर हम दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसको कंपेयर करिए अपने इस फॉर्मूले से, तो आप देखेंगे कंपेयर करने पर डी माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे है वन और क्यू के प्लेस पे है ई की पावर टू एक्स। अब आपको ये फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो आपने क्या लिखा, ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा हमारा कंपेयर करिए कितना है, अल्फा है वन, तो ई की पावर वन एक्स इंटीग्रेटेड क्यू, क्यू है ई की पावर टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब ई की पावर टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स को कैलकुलेट करते हैं तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, देन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आएगा। तो ई की पावर एक्स का इंटू करेंगे पावर एड हो जाएगी ई की पावर टू एक्स। अभी हमने एक के लिए सॉल्व किया था, अब हम दूसरे फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे वन अपॉन डी माइनस टू ई की पावर टू एक्स। अब इसको अगेन आप कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले से, तो आप कंपेयर करने में देखेंगे डी माइनस अल्फा डी माइनस टू, इट मीन्स अल्फा के प्लेस पे है टू और क्यू के प्लेस पे है हमारा ई की पावर टू एक्स। अगेन यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ई की पावर टू एक्स इंटीग्रेटिंग क्यू ई की पावर टू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो फिनिश हो गया हमारा फंक्शन इंटीग्रेटिंग डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे आएगा एक्स, तो हमारा कंप्लीट हो गया पी आई। हैंस द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जो आपने सी एफ निकाला था और पी आई निकाला था उसको यहाँ पे दोनों को ऐड कर